सुबह से ना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि इसके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। आएगा चुका है। हे भगवान, दो बातें लोगों ने डायरी में नोट करवा दिया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 तारीख, शनिवार का दिन है और 6:27 हो चुका है। और ऐसे इनका वैन 6:15 तक आ जाता था, लेकिन आज हो गया था, 6:30 होने वाला था, पर वैन आई नहीं थी। और इतने में ही मुझे क्या पता चला, देखिए। पहले हम भी सोचे थे कि वीडियो बना लेते, लेकिन फिर मम्मी को पता चला। इस लड़की को देखो। नहीं सही में ये गलत बात है फिर तुम लोगों का। गलत बात नहीं है। पापा क्या कहेंगे, ऐसे घूमने जाएंगे तो 2 बजे तो घर से ही निकलेंगे, फायदा क्या है घूमने का। इसलिए हमने ये किया ताकि तू जल्दी उठ के सारा काम कर ले अपना। जाओ, अब बैठना नहीं है, पूरी छाना झाड़ू लगाओ और नहाओ। दोपहर से प्लानिंग था कि बता रही नहीं है, नहीं तो 10 बजे तक सोतेगी और फिर 12 बजे घर से निकलेगी। पैसा मेरा जेब से खर्चा होता है और 2 बज जाता है घर से निकलने में, कहीं घूम के नहीं आता है। ये बेटा बेटी और इनके बाबूजी अभी तो सो के उठे हुए हैं। तब बेटा कहाँ है, थोड़ा सा इधर मुंह दिखा दो। ये सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक किया है। रात ड्रेस भी पहना हुआ स्कूल का। रात को कितने बजे मैसेज आया था, 10:45 में स्कूल से मैसेज आ गया था और फिर भी ऐसा बोला। मेरा सुबह ही आ चुका था, पर तू देख ही नहीं थी, मैं व्हाट्सएप चेक कर रही थी, मैं डिलीट ही मार दिया। ये अच्छा मजाक है लेकिन। मेरे साथ मजाक हो गया। अंकल का फोन भी तो आया था अभी, वो मेरे रिंगटोन से हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे लंच पैक करने के लिए, ठंडा होने के लिए पूरी बना के रख दिए, लंच बॉक्स लेके रख दिए, और जब पैक करने आ रहे तो कहा जा रहा है प्रैंक है। आप नहीं जा रहे, अब हम जा रहे सोने। अच्छा, बोल दे पीटीएम यार, सही बात है यार, पीटीएम का आज करना चाहिए था। पीटीएम में तो जरूरी है नहीं कि स्कूल ड्रेस पहन के जाओ, बोल देती नहीं पहनना हमको स्कूल ड्रेस, हम घर पे ही कपड़ा पहनते हैं। पीटीएम का क्यों नहीं आया, सही बात है यार। पीटीएम पे मम्मी तैयार हो जाती, बोल कि 9 बजे जाना है। कौन सा टाइमलाइन मिलता है, उसमें भी आधा घंटा पहले। अच्छा, नहीं देर तक का था, पहले क्यों नहीं बताया, फिर 9:45 तक घर से निकलते हैं। मतलब इतना फुली मजाक बनाया जा रहा है भाई, फुल मजाक का भाई। हम लोग कितना हिंट दिया, हम लोग क्या छुट्टी है। हाँ बेटा, हम भी सुबह से ना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि इसके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। आएगा काजू आ चुका है। हे भगवान, दो बातें लोगों ने डायरी में नोट करवा दिया। आज तुम्हें कितना कॉम्प्रोमाइज करी नींद के साथ भाई, बेटी अच्छा खासा बेटी का नींद जो कॉम्प्रोमाइज की है, उसकी इज्जत रखो भाई। अब तुम सो मत, जाके तैयार हो। हाँ। ना हो सोने का टाइम मिलेगा, 9 बजे घर से निकलना है, उससे 1-2 घंटे पहले का तेरा काम खत्म, नहा धोवा के 7 बजे तो 1 घंटा सो जाना, फिर उठ के तैयार हो जाना। सोने मत देना, के तो अच्छा खासा पोपट बना दिए। नहीं जाएगी, काम में हाथ बटाती सोने, फटाफट नहा धो के रेडी हो के ड्रेस बटा दे तो हम लोग को शक नहीं। आज का सूरज उगा है, जो लेट हो रहे पहले से, अब फिर झाड़ू लगा दिए। हाँ, वो यही था कि तू फिर घूम फिर के इससे करेगी क्या, छुट्टी तो नहीं है फालतू का। इतना दिमाग को जोर डालेगी कि कहीं ना कहीं से पता कर ही ले बात क्या चल रही है। तो चाय भी बन गया अभी, और अब चलते हैं चाय पीने के लिए। वैसे भी इन लोगों का स्कूल जाना होता है तो भेज के ही पीते हैं, तो चलते हैं अभी चाय पीने। चाय पीने उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे और फटाफट रेडी होना है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं फटाफट झाड़ू वगैरह लगाने में लग गई थी, और मुझे ऐसा लगा था कि सेकंड सैटरडे, हर सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे छुट्टी होती है तो छुट्टी होगा, लेकिन ये तीनों मिलकर प्लान किए हुए थे, इसलिए ये भी बोले कि कोई छुट्टी नहीं है, स्कूल जाना है। और यहाँ देखिए बारिश बहुत तेज़ हो गया था,
मैं भी विश्वास कर ली थी कि हो सके स्कूल होगा, जबकि रात को 11 बजे मैसेज देखी थी, मुझसे कहा हो सकता गलती से मैसेज आ गया होगा। तो अब वहाँ कहाँ जा पाएंगे, जू कहाँ जा पाएंगे? जू के अलावा कहीं जाना होगा, जू के अलावा कहीं जा सकते हैं? जू नहीं जा सकते अब। सब फ्रेंड्स कहाँ घूमने का प्लान था, सब रेडी हो गया नहावा के, उसके बाद बारिश बुरा हाल कर दिया, बहुत तेज बारिश हुआ है और सब यहाँ पे छाता ले लेके छत पे है। शाम को चलेंगे, अभी दिखाते हैं क्या हाल है। ये देखिए यहाँ कंप्रेसर से, कंप्रेसर ही बोलते ना इसको, पानी पूरा नीचे जा रहा था किचन में, तभी यहाँ पे इसका उपाय किया जा रहा है कि कैसे पानी रुकेगा। तो अंदर नहीं ना गीला होगा। और यहाँ सारा पेड़ सब का हाल देखिए क्या हो गया, सब में पानी भर भर के एकदम, इस सबको इधर साइड किया गया उधर काम करने के लिए। हाँ हाँ, अब उतना तो बिल्कुल नहीं रुक पाएगा। हाँ थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा कुछ ना कुछ, ये है कि कम हो जाएगा जाना। ये छोटा ठीक है, पेड़ पूरा झुक गया मेरा, झुक गया। पापा कह रहे हैं ऐसा ही हो गया था परसों भी, फिर सीधा हो गया था, पता नहीं देखो होता है कि नहीं सीधा। बारिश रुक जाए यार, हटो। सब में पानी भर गया पूरे गमले में। और ये देखिए ये है घोंसला जिसको हम लोग खरीद के लाए थे, अभी खाटू श्याम से आ रहे थे तो रास्ते में लिए थे, अभी तक तो इसमें कोई चिड़िया आई नहीं है। इसको लगा दिए यहाँ पे, हो गया लगाए हुए, एक हफ्ता हो गया होगा ना, एक हफ्ता से ज़्यादा। हाँ अभी तक कोई चिड़िया नहीं आई है, आई भी कि नहीं आई पता नहीं, इतना ऊंचा में तो दिखाई भी नहीं देगा। और बारिश हो गया अब कम, हल्का हल्का हो रहा है, फिर भी नहीं निकल पाएंगे अब, पूरा पानी है। सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप, मैडम को जगाने के लिए हम चाय बना रहे हैं, बच्चे हैं पीछे परे, टिप्पी बना के दे दो। शुरू शुरू क्या जगाना, साढ़े ग्यारह बजे घड़ी में, इसलिए कहता है कि मेरे से झूठ नहीं बोलने का। पहली बार तुम मम्मी के साथ प्रैंक की, ऐसा भदवा लगा दिल को ही, आज बारिश बारिश सब हो गया, बहुत तगड़ा वाला रिमझिम रिमझिम होता था, पानी भरा पड़ा उसका, गाड़ी फंसने से बच गया। चाय पी लो ठंडा हो रहा है। सर गाना गा के सुना दीजिए, ना गाना गा के सुना दीजिए। गा रहे थे एक रिश्ता था उसमें कैमरा ऑन नहीं था ना, कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा पे थोड़ा गा दीजिए तब ना आपके व्यूवर सब सुनेंगे कि राहुल जी गाना कितना अच्छा गाते हैं। गई गई गई, जब से हुई है शादी बनाने वाले ने सही गाना बनाया, पता है आज से 60 साल पहले भी कितने पुराने पुराने गाना है जो आज साबित हो गया, तो सही तो गाना बनाया कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, मैडम जी सो रहे हम चाय बना रहे हैं, और क्या बारह बजे घड़ी में मैडम जी सो रहे हैं, बच्चे खुद जाके इडली बना रहे हैं। पति देव खुद चाय बना रहा है, बच्चे खुद इडली बना रहा है,
मैडम जी सोया हुआ है, तो मैडम को क्यों उठाया गया छुट्टी वाले दिन झूठ बोल के? भदवा लगा दी तुम छुट्टी वाले दिन मन ही मन बोल के। साला कल तक बारिश नहीं था, सुबह 8 बजे तक बारिश नहीं था, और उसके बाद अचानक इतना तेज बारिश हो गया पूरा रास्ता ब्लॉक। उठना भी बेकार हो गया यार। नींद की कुर्बानी देना बेकार हो गया। सब तैयार हो गया, बस एक कपड़ा पहनना बाकी था। हमको तो भाई सब कुछ करना था, मैं तो मेकअप से कभी करना था, अच्छा हुआ नहीं किया, बच गया मेकअप, एक दिन का मेकअप बच गया मेरा। चाय पी लो, ठंडा हो गया। हम ठंडा ही करके पीते हैं। बोले चाय बना दो तो नहीं बनेगा, जब हम बोले कि चाय पिएगी तो हम पिएंगे। हम तो ऐसा नहीं बोले कि हम पिएंगे, ऐसा हम बोले कि बोलते कब है कि हमको ये करना है भाई? आप बोले कि दूध थोड़ा है बना ले। हाँ। तो हम बोले ना बना लीजिए। नहीं पीने का मन होता तो बोलती ना कि आप अपने लिए बना लीजिए, हमको तो पीना ही नहीं। अब इतना तुमको पूछे दूध मंगा ले, नहीं हमको मंगा ले नहीं सुनाई दिया, सही में हमको सुनाई दिया इतना ही है बना ले, सो हम मंगा ले नहीं सुने। हमको पता था कि दूध एक ही कप है। कल भी बारिश होगा पता नहीं। शनिवार को, दो शनिवार से आपको साली बुला रही है, आप साली को धोखा दे रहे हैं। कौन साली बुला रही? कौन साली की घर के बाहर से आ गए थे? साली उर्फ सरहज। रोमा मैडम, यस। अब क्या है, आज अगर निकलते तो चलियो जाते हैं, जा भी सकते थे। निकले ही नहीं यार, पूरा पानी कह रहा उधर भरा हुआ है। निकल जाएगा एक घंटा में पानी, अगर बारिश नहीं होगा ना तो निकल निकलेगा वहाँ पानी। ये लोग तो अपना अपना प्लानिंग फेल कर लिया और हम घर बैठे ही पी रहे नारियल पानी। हम मतलब मैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, खींचते जाओ। सही में मौसम आज का ही सही था, अच्छा था। सब बरसात में लेता है चाय पकौड़े का आनंद, हम ले रहे हैं नारियल पानी का आनंद। नारियल पानी आसपास मिल जाए तो कितना अच्छा रहता है। सीधा सेंटर ही मिलता है नारियल पानी। मौसम तो साफ होता है, फिर देखते हैं। फिर भी कहीं नहीं जा पाएगी, मौसम साफ होगा, पेट्रोल पंप साफ नहीं होने वाला है। वहाँ से ज्यादा ऐसे नहीं करता, आगे वाला ऐसा, ऊपर वाला ऐसा, मैंने ज्यादा